कंगना रनौत ट्विटर पर तकरीबन 1.5 साल के बाद वापसी करने के बाद इन दिनों फुल स्विंग में नजर आ रही हैं। इस बार फिर ट्विटर पर अभिनेत्री का वही पुराना अंदाज दिखाई दिया। कंगना के निशाने पर इस समय बॉलीवुड के किंग खान हैं। कंगना ने इस बार शाहरुख खान और उनके समर्थन करने वाले बॉलीवुड के लोगों को चेताया है। दरअसल बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत फिल्म पठान को लेकर लगातार ट्वीट्स कर रही हैं, जो शाहरुख खान के फैंस को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहे। लेकिन कंगना फैंस के कमेंट से डरने वालों में से बिल्कुल नहीं है। ऐसे में एक बार फिर कंगना ने फिल्म पठान की सफलता पर झूमने वाले बॉलीवुड के लोगों पर निशाना साधते हुए हिंदुवाद का नारा लगा दिया है और उसके साथ ही बॉलीवुड को एक बार फिर धमकी भी दे दी है। आपको बता दें 25 जनवरी को रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है। लंबे समय बाद शाहरुख खान की किसी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखाया है। फिल्म महज 3 दिन में कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, जहां फैंस के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के वो लोग जो शाहरुख खान के समर्थक हैं पठान की सफलता से खुशी में झूम रहे हैं। इसके साथ ही वो ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं जिससे विवाद हो गया है। इसको लेकर कंगना बॉलीवुड पर निशाना साध रही हैं। दरअसल फिल्म पठान की सफलता को देखते हुए आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर लिखा था, प्यार हमेशा जीतता है। वहीं फिल्म मेकर करण जौहर ने ओपनिंग डे पर शानदार कमाई के बाद रिएक्ट किया था, प्यार हमेशा नफरत को मात देता है। आलिया और करण जौहर के इसी रिएक्शन के बाद कंगना ने बिना किसी का नाम लिए बॉलीवुड वालों को धमकी दे डाली और कहा कि अगर किसी ने नफरत पर विजय जैसी बात की तो उनकी क्लास लगेगी। कंगना रनौत ने ट्वीट कर कहा है कि बॉलीवुड वालों ये नैरेटिव बनाने की कोशिश मत करना कि इस देश में तुम हिंदू हेट से सफर कर रहे हो। अगर मैंने फिर ये शब्द सुना नफरत पर विजय तो तुम लोगों की वही क्लास लगेगी जो कल लगी थी। सफलता को एंजॉय करो और अच्छे काम करो, पॉलिटिक्स से दूर रहो। कंगना के इस ट्वीट को सलाह के साथ साथ बॉलीवुड के लिए धमकी भी माना जा रहा है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।